एहसन मुगल सीनियर रहनुमा पीटीआई का सरदार अयाज सादिक के बारे में सख्त अल्फाज में पैगाम, आइए आपको भी सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम एहसान असलम मुगल है और मैं मेरा तल्लक लाहौर से है और मैं इस आज तक कभी इंटरव्यू नहीं दिए किसी किस्म के। तो एक बहुत दिल को दुख हुआ और अफसोस हुआ कि ये मीर जाफर मीर सादिक साहब जो हैं बहुत अच्छी गुफ्तगु करते हैं और पाकिस्तान के बारे में गद्दारी का अज़म लिए कौमी असम्बली के अंदर पहुँचे हैं और ये भारत के एजेंट हैं और सीधी सी बात है कि ये भारत को खुश करना चाहते हैं और इसकी वजह से वो अपनी सियासत चमकाना चाह रहे हैं और शर्म आनी चाहिए तुम्हें और तुम्हारे हवारियों को कि तुम पाकिस्तान के एक इंसाफ और तमाम अदारों को तुमने एक बयान के अंदर लपेट दिया है, जैसा कि आर्मी को, जो आर्मी हम रात को सोते हैं वो चौकियों पर हमारा पहरा देते हैं और उनकी बहादुरी पर उनकी जुर्रत पर तुमने एक दागदार कर दिया तुमने तुम्हारे इस बयान ने। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इस बार तुम कौंसलर भी नहीं बनोगे और इंशाल्लाह ताला ये मेरा वादा है कि एक उम्र ज़ईफ़ आदमी होने के नाते आपको सिर्फ इतनी बातों से नवाजा है। अगर मेरी उम्र के मुकाबले में होते तो मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद करवा देता, ठीक है। और हमारा लीडर एक बहादुर है और ज़रूरतमंद है और जो कश्मीर का एम्बेसडर है और ऐसे नहीं कि बाहर के लोग उसको इनवाइट करते हैं कि आपने तमाशाइयों में बैठना है, वो स्टेज पे बैठाने के लिए बुलाते हैं, वो पूरी इंशाल्लाह ताला मुस्लिम मुल्कों के वो एक एम्बेसडर के नाम से पुकारे जाएंगे, ठीक है। और आइंदा से जो भी बात करोगे सोच समझ के करना, ओके। और मुझे इस मौका पर अदील साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया बोलने का, और बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।